एंड इस प्रकार से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देख जैसे कि आप विभिन्न प्रकार के शादी का जो एल्बम फोटो देखते हैं उसमें क्या होता है, शेप जैसा रहता है दिल के आकार का और उसमें है जो फोटो रहता है, या फिर आप देखते रहते हैं जो एंड इस प्रकार से आप प्रेजेंट कर सकते हैं तो देखा जाता है। तो यहाँ पे हम आपको ये पूरी जानकारी बताएंगे जो किस प्रकार से शेप लिया जाता है और शेप में किस प्रकार से अरेंज किया जाता है, और साथ ही आपको हम बताएंगे कि यदि आपका फोटोशॉप में शेप मिसिंग है, डैट मीन्स फोटोशॉप सीसी में शेप नहीं आ रहा है, आप जैसा जैसा शेप लाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखने के बाद आपका जो प्रत्येक शेप को ला सकते हैं, क्योंकि मेरे जो पास है फोटोशॉप उसमें भी मिसिंग था, ठीक है। तो उसको हम किस प्रकार से लाए हैं ये भी आप लोग सीख लीजिएगा, ठीक है। हाय दोस्तों, तो मैं सुजीत आपके लिए लेके आए हुए फोटोशॉप सीसी का 11वां वीडियो। यहाँ पे हम आपको शेप के बारे में बोले तो शेप ऑप्शन के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी बताएंगे। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम फोटोशॉप पे जाएंगे और जाने के बाद वहीं पे देखेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी। जैसे कि आपके पास इस प्रकार से फोटोशॉप में फ़ोटो है, इसको हम छोटा कर लेते हैं और छोटा करने के बाद इस पर अब हम काम करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि शेप ला के ये शेप ऑप्शन है, ठीक है, ये शेप ऑप्शन हो गया है। विभिन्न प्रकार के इसमें शेप ले सकते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर लेना हो तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। अब देखिए ये शेप लिए है, बट अभी हम शेप पे नहीं काम करेंगे, अभी हम पाथ पे काम करेंगे। तो इसके लिए आपको पाथ सिलेक्शन करना हो, पिक्सल भी नहीं सिलेक्शन करना होगा, पाथ करना होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिलीट कर देते, तो इसको सिलेक्ट किया और डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर दिए। एंड इसके बाद यहाँ पर चले आए फिर से और यहाँ से हम कर लिए, ठीक है। तो ये एक पाथ सिलेक्शन हो गया है, क्या है, पाथ सिलेक्शन है। तो आप पाथ सिलेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए पाथ सिलेक्शन करने के बाद यदि आप कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस कीजिएगा तो ये जैसा कि पॉलीगोनल लासो टूल से आप सिलेक्ट करते हैं या फिर इसमें रेक्टेंगुलर टूल से सिलेक्ट करते हैं, उस प्रकार से यहाँ पर सिलेक्शन आ चुका है, ठीक है। तो पाथ सिलेक्शन का यही फायदा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक है कस्टम शेप, ये तो हो गया, आपको रेक्टेंगुलर लेना हो तो रेक्टेंगुलर के लिए, उसके बाद राउंड रेक्टेंगुलर लेना हो तो उसके लिए, और इलेप्टिकल टूल के लिए, और उसके बाद पॉलीगोनल टूल, ठीक है। और इसके बाद लाइन, यदि आपको लाइन लेना हो बोले तो लाइन मारना हो बोले तो लाइन ड्रॉ करना हो तो यहाँ पर हम लोग किसका उपयोग करेंगे, लाइन टूल का, ठीक है। और कस्टम, कस्टम डेट मीन्स आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कस्टम करने के बाद इस प्रकार से आ गया। अब देखिए इसमें विभिन्न प्रकार जो कस्टम दिया हुआ है, ठीक है, आप में ये वाला हो सकता है नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि हम आपको दिखा दें यहाँ पे विंडोज में आके और यहाँ प्रॉपर्टीज लेयर और इसके बाद सेप, देखिए एक सेप ऑप्शन होगा यहाँ पर, यहाँ है शेप ऑप्शन है, तो ये खुल के आ गया, इसको हम यहाँ पे ले आए, आप में ये इस प्रकार से डिलीट होगा, हो सकता है या बाय डिफ़ॉल्ट नहीं भी होगा। तो ऐसे अगर आप अब जैसे कि आप यदि आप फोटोशॉप 7.0 यूज किए हैं तो उसमें यहीं पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे करने के बाद जितना होता है सब आ जाता है, बट इसमें क्या है लेफ्ट लेफ्ट ट्रीज आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एनिमल्स वगैरह लेना हो तो ले सकते हैं, उसके बाद बोट्स लेना हो नाव वगैरह का, जैसे देखिए यहाँ से इस प्रकार से आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये पाथ सिलेक्शन है, शेप लेने के बाद शेप सिलेक्शन के बाद ये काम करेगा, ठीक है। अभी पाथ सिलेक्शन है तो चलिए पाथ और शेप एक ही है, सिर्फ यहाँ से आपको शेप लेना होगा, तो यहाँ से आप शेप, जैसे आप शेप ले लिए, ठीक है, इस प्रकार से आ गया, इसमें ये फिल हो चुका है, ठीक। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। एंड अभी हमको फ़िलहाल यहाँ से पाथ सिलेक्शन पर काम करना है तो पाथ सिलेक्शन ले लिए। एंड इसके बाद क्या है, यहाँ पे आइए नीचे और यहाँ से फ्लावर्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको ज़रूरी है जो विभिन्न प्रकार के रेक्टेंगुलर में लेना हो, ठीक है, तो डिजाइनिंग दिल का हर्ट का ये सब लेना हो तो नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, विंडोज पे आना है, याद रखिएगा। और इसके बाद यहाँ पे शेप ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे शेप पे आ जाएंगे और ये शेप पे आने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ ये यहाँ पर है, ठीक है, ये डॉट आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा, ठीक है, यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से ये है लिगेंसी शेप एंड मोड, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आ गया, अब इसके अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको फ़िलहाल क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आ गया, आप इसके अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं ये 2019 शेप है, 2019 में जितना था सब आ गया, ठीक है। पीपल, यहाँ पे आदमी का सिंबल लेना हो, ठीक है, यहाँ पे आदमी का सिंबल आप ले सकते हैं इस प्रकार से। इसको अगर हम शेप में लेंगे
तो क्या है ये शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल हम इसको कंट्रोल जेड से बैक कर देते हैं एंड नहीं लेना चाहिए यहाँ से। अब इसके बाद और आते हैं नीचे, और यहाँ से आने के बाद कि सारा है फ्रेम, ठीक है, ये सारा का सारा है। अब हम बता रहे थे आपको जैसे कि इसको भी हम अंदर जाने देते हैं, और यहाँ से ऑल, यहाँ से आने के बाद यहाँ से देखिए बाय डिफ़ॉल्ट है लेगेंसी डिफ़ॉल्ट सेप, ठीक है, डिफ़ॉल्ट सेप। यहाँ से आने के बाद इस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए यही सेप सब जो आप यदि फोटोशॉप 7.0 यूज किए हैं तो वहाँ पे आपको यही सेप के बारे में हम बता रहे थे। तो यहाँ पे आपको लेना है जैसे कि हट दिल वाला, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से इसको हम ले लिए, ठीक है। इसको पहले कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो हट वाला सेप है ये दिल वाला, ठीक है, तो दो, अगर आप शिफ्ट के जैसे अगर डायरेक्ट ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये है, देखिए शिफ्ट के साथ करेंगे फिर भी ये रेशियो में आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल जेड पहले कर लेते हैं, यदि आप कंट्रोल से करते हैं, सॉरी ये अल्ट के साथ करते हैं, तो अपने हिसाब से जैसे हो वैसे कर सकते हैं, ठीक है, या विदाउट अल्ट के भी ये अपने हिसाब से, देखिए ये अपने हिसाब से जैसे करना हो वैसे कर सकते हैं। और इसी को अगर आप शिफ्ट के साथ करते हैं तो आपका ये रेशियो में आएगा, ठीक है, रेशियो में बड़ा होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक रेशियो में होगा, ठीक है। तो रेशियो में क्यों ज़रूरी है, तो रेशियो में करने के बाद क्या होता है, कोई भी जो शेप होता है देखने में बढ़िया लगता रहता है, ठीक है। इसको फिलहाल क्या करते हैं, आपको हम डिलीट करके दिखा दिए, और इसके बाद देखिए कंट्रोल एन से न्यू पेज ले लेते हैं एंड इसके बाद यहाँ से क्रिएट कर लिए, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हम चाहते हैं इसमें ये हर्ट दिल बना के इसमें आया, ठीक है, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलिए या बड़ा ही रहने देते हल्का। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद ये दिल है शिफ्ट के साथ, ये हो गया दिल है मेरा कोई खिलौना नहीं, ये शेप में है बट हमको शेप में नहीं लेना है। क्या करना है, यहाँ मूव टूल पे क्लिक करना है, और मूव टूल पे करने के बाद इधर आना है। अगर इधर नहीं आया तो चलिए फिर से हम क्या करते हैं, इसको चार बटन होता है लेफ्ट राइट, ये ऐसे भी नहीं आएगा तो कंट्रोल टी कीजिए, अब आएगा, ठीक है। अब कंट्रोल टी हो गया, इस प्रकार से हो गया। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ इंटर हो गया। अब इसके बाद इसको आपको मूव टूल पे आइए, और आने के बाद ऐसे करके आ जाइए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो किस प्रकार से ये यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, अब इसमें अगर स्ट्रोक वगैरह आपको देना है तो वो भी दे सकते हैं। इसके लिए मूव टूल पे आए, और यहाँ पे आने के बाद स्ट्रोक ऑप्शन इसमें होगा, ठीक है, और स्ट्रोक पे आने के बाद आपको स्ट्रोक यहाँ से जैसा कलर है चूज करना कर सकते हैं। कलर कहाँ से चूज करेंगे, तो इस पर क्लिक करके और यहाँ पर आएंगे, आने के बाद यहाँ से इसका पहले ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, पोजिशन कर सकते हैं, एंड यहाँ से कलर मोड हो गया, रेड करना है रेड कीजिए, और इस प्रकार से अगर इसका साइज मोटा करना है मोटा कर सकते हैं, एंड इस प्रकार से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देख लीजिए किस प्रकार से उसको प्रेजेंट किया जाता है। अब कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, इसमें ही आपको करना है जैसा कि ले लिए, फिर अगर दूसरा शेप लेना हो तो यहाँ से आएंगे और दूसरा शेप ले लेंगे, कोई भी एक शेप ले लेते हैं, चलिए यहाँ से यही शेप ले लेते हैं, और यहाँ पे आने के बाद इसको हम क्या करते हैं ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अगर शिफ्ट के साथ करते हैं तो फिर आप सही से कंट्रोल टी से ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, यहाँ पे ले आइए, और इसके बाद कंट्रोल के साथ आप इंटरफेस, ठीक है, कंट्रोल के साथ इंटरफेस कर दीजिए, और इसके बाद इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके लाने के बाद इसको आप कंट्रोल टी करके इसको आप बड़ा छोटा इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इस पर नहीं सही लगता है क्योंकि पीछे इसका बैक में ये है, ये अगर नहीं रहेगा तो सही लगेगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, एंड इसमें आपको स्ट्रोक देना है तो फिर इसमें स्ट्रोक दे सकते हैं, एंड उसके बाद आप अपने हिसाब से कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको मोटा और करना है तो मोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये इनसाइड है इसीलिए अंदर की ओर जा रहा है, अगर आउटसाइड रहता तो ये जितना जाएगा बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा छोटा मिस्टेक है, यहाँ से कर सकते हैं वर्न, ठीक है, यहाँ से सब अलग अलग कलर है, तरीका है कि इस प्रकार से करना चाहते इसका जो आउटलाइंस यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, कंट्रोल डी से हम डी सेलेक्ट कर दिए। अब इसके बाद हम एक और बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आके
और एक यहाँ से रेक्टेंगुलर हम शेप ले लिए, ठीक है। शेप लेने के बाद ये तो आपका आ गया, ये हमको पाथ आ गया, शेप लेना है। शेप ले लिए और इस प्रकार से शेप हो गया। शेप में देखिए यहाँ पे जो कलर रहेगा सिलेक्ट वही कलर आएगा। हम इसको आपको समझाने के लिए चलिए यहीं पे समझा देते, ये हो गया। अब इसमें अगर यहाँ से डॉट डॉट रहेगा तो डॉट डॉट आएगा। देखिए आपको हम गौर से देखिएगा, इसके बगल में यहाँ से डॉट डॉट नज़र आएगा, ठीक है। ये डॉट डॉट नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये डॉट डॉट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉट डॉट कैसे नज़र आ रहा है, छोटा छोटा डॉट यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लाइनिंग हो गया। अब लाइनिंग यहाँ से इस प्रकार से आप दे सकते हैं, जैसा आपको लाइनिंग देना हो यहाँ पे दे सकते हैं। लाइनिंग का कलर देना हो तो यहाँ पे आके इसका कलर अगर हम ब्लू करना चाहते हैं तो ब्लू कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ से हो गया। अगर लाइनिंग का अगर मोटा करना चाहते हैं, जैसे इसको हमको करना है 50, तो हम 50 कर दिए। तो इस प्रकार से इसमें हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें जो किस प्रकार से हम जो शेप लेते हैं, शेप के चारों साइड आउटलाइन दे सकते हैं। अब देखिए ये तो दे दिए और इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं एंड इसको कर देते हैं 20, ठीक है। अब इसमें देखिए इस पे हम आए और यहाँ पे आने के बाद इस पे हम क्या करते हैं, इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ प्रॉपर्टी अपने आप आ गया। अगर नहीं आएगा तो आप विंडोज़ में आइएगा और यहाँ से प्रॉपर्टी होगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए इसको हम ये विंडोज़ आप फोटोशॉप 7.0 यूज करते हैं उसमें नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बहुत बेस्ट ऑप्शन है। इसको अगर कोना की अगर तिरछा करना चाहते हैं तो जैसे इसको देखिए, इसको अगर हम 20 कर दिए तो क्या है, हल्का हल्का सब हुआ। 20 में अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है 50 कर देते, देखिए हो रहा है। बट इसको हम चाह रहे हैं कि सभी कोना ना हो, तो इसको ये पिंच अप है, इसको हम कर दिए लिंक है, ठीक है। इसको अगर हम 90 कर दिए तो क्या एक कोना हो गया, ठीक है। अगर इस कोना का करना चाहते हैं 200 तो ये कोना थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आपको डिजाइनिंग बनाना है शेप तो आप बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे डिजाइनिंग बना के। और इसमें देखिए इसमें सिर्फ यही फोटो रखना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हो, इतना बच गया, बाकी सब क्या हुआ हट गया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक और शेप ले लिए और शेप लेने के बाद यहाँ से आप रख सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड से हम बैक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे चले आए कंट्रोल जेड से बैक। और इसमें देखिए इसमें तो आप कर सकते हैं इसका आउटलाइन वगैरह जो अभी बताया, स्ट्रोक को आप मोटा और पतला कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक को करके देखिएगा, करने के बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप समझिए कि शेप जैसा कि यहाँ लिए, यहाँ पे शेप है, ठीक है। शेप अगर छोटा बड़ा करना हो तो कंट्रोल टी से आप ट्रांसपेरेंट करके और छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए रेशियो में हो रहा है, रेशियो से अगर अलग करना हो तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ करना होगा, ठीक है, कंट्रोल के साथ करना होगा। वैसे देखिए इसमें बिना शिफ्ट के भी कीजिएगा कहीं कहीं तो आपका रेशियो में आएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि कहाँ कहाँ रेशियो में आता है, ठीक है। और इसका हाइट विड्थ, ठीक है, शेप का, अगर इसको अगर हम विड्थ विड्थ बोलते हैं चौड़ाई, अगर इसको हम 2000 कर देते हैं तो देखिए एक बन गया न्यू और नया जिसका विड्थ हो गया 2000, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं और इसमें शेप ले सकते हैं, शेप लेने के बाद उसमें फ़ोटो ले सकते हैं और शेप नया ला सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद शेप का और काम होता है जिसके बारे में हम आगे बताएंगे कि शेप से उपयोग करके और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। जो बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।